यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में संत निरंकारी सत्संग भवन में। यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो यहां देखे ये कोविड के नियमों का पूरा पालन किया गया है। ये सैनिटाइजर करो, ये प्रवेश करते ही यहाँ सैनिटाइज कराया जा रहा है। ये सामने हैं संत निरंकारी मंडल के जोनल प्रभारी श्री राज कपूर निरंकारी जी। ये रक्तदान शिविर का संचालन कर रहे हैं। देखिए रक्तदान के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है। अच्छा महाराज, एक तो देने आप इधर आ जाओ। देखिए ये हैं लोग रक्तदान कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अभी इनके सिरिंज लगने दो, तब बनाते हैं ना, है ना। सिरिंज लगने दो। आज रस्ता देखो ठीक लगा कि नहीं, कैप वगैरह देखो।
जी का आपका हो गया सर, जाना चाहेंगे आज नंकारी भवन में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया? आज संत नंकारी सत्संग भवन जसपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वक्त की हालात को देखते हुए यहाँ पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक के कुशल डॉक्टरों के द्वारा ये रक्तदान जो है ये संचय किया जा रहा है और ये आगे चल करके ज़रूरतमंदों को जैसे गत वर्षों में नंकारी मिशन के द्वारा ये रक्त दिया जाता है, उसी तरह से ये संशोधन होने के बाद ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। नंकारी मिशन के द्वारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भर के तमाम देशों के अंदर ये रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और जितनी भी ये आपदाएं आती हैं तो सरकार का भरकस प्रयास किया जाता है मिशन के द्वारा कि सहयोग किया जाए। इससे पहले कोविड 19 सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया, निरंतर यहाँ पर हर वर्ग के आदमी को यहाँ पर कोविशील्ड भी लगाई जा रही है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ये आज का जो मानवता के लिए इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये ब्लड रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया। कितने लोगों ने रक्तदान किया आज यहाँ पर? अब तक हमारे जो है 100+ के करीब हमारा टारगेट है, 82 यहाँ पर हो चुका है अब तक और ये 3 बजे तक हमारा रक्तदान शिविर यहाँ पर चलेगा।